गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं मनाली। आपको दिखाएंगे अब आगे सारे बर्फ वाले ब्लॉग। खुशी देख रहे होगे आप कि मैं पहली बार राजस्थान से बाहर जा रही हूँ और मैंने ना मैं शूट करना भूल गई जो भी पैकिंग वैकिंग हुई सब। तो टीम वालों ने मेरे को पहले ही बोला था शूट कर लेना, फिर मत बोलना कि भूल गई, और मैं फिर भूल गई। तो अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ क्योंकि हमने अभी कैब की है, तो कैब हमें अभी लोकेशन पर छोड़ेगी। हम बस में जाके बैठ रहे हैं, वहाँ से हमने ट्रेन लिया आगे से। तो तो दोस्तों ओ ब्लॉग छे देखो, मारे फैन सपोर्ट बनाओ यारो, ये ब्लॉग है इसमें चारों सपोर्ट बनाओ, क्योंकि देखो सही सही बात बताओ कि थाने पे हम इतनी खतरनाक तरीके से लेट हो गए, इतनी खतरनाक तरीके से। चलो लेट तो चलो कोई बात करो, पीछे पीछे कर चो जाते यार, और पीछे निकले हैं उन्हें कुछ लोग ना हमें नहीं ले रहे और उनको पता नहीं है हमारी वजह से उनकी रेंज में। हाँ तो दोस्तों अभी आके दिखाएंगे, कहते प्लेटफॉर्म में ज्यादा फोन में कुछ चला सको, चोरी हो जाए रमा दे जाए। हाँ ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई साइड में। लेट हो गए थे पर अभी बच गए। हाँ बाड़ा माड़ा रामड़ ज्यादा गौर करो मत, क्योंकि थे भी जानो ट्रैवलिंग कमानी है उन कह रहे थे। पर मजा आ रहा है गाइस, मैं पहली बार आई हूँ रास्ता से। दोस्तों मजा आते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। अबे गर्मी का मान छोटो चाल जो चे मत हुई है तू गाइडर तो आप बड़े गाइडर हैं। पसंद का भाभू मैं भाई बेटो पसंद कुछ घर में ना पसंद ये नहीं तो देख। हेलो गाइस, तो अभी हम हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो इट वाज द इंग्लिश लोगों थोड़ी समझ में आ रही है आप भी बता। चंडीगढ़ इज वाज पंजाब राजधानी फ्रॉम दिस इज नाइस लोकेशन फ्रॉम इंडिया एंड टूरिस्ट फॉर ऑल इंडिया से आते हैं। दिस इज मोरा थोड़ा सा कर से कुछ स्क्रूडी रहो या दिस इज मोरा थोड़ा सा से स्क्रूडी रहो। हले भले धंधो को दो गाइस, हमारी ट्रेन ना डिले हो गई क्योंकि हमने अभी बस ले ली है और हम सारी दो ढाई घंटे में बच ली नहीं है बेटा। ए बेटा दो ढाई घंटे सुनो, बच ली नहीं है, बच में बैठे हैं। तो बस तो धनी ये गाना चला रखा है ना, कौन सा ये ओहो डांस कर डांस कर ओहो दोनों रोड है गुन कर यार मन कर भाग गया। हमारा इसकी भी बंद हो गया, अब क्या ही अरे फिर बात कर ऐसे क्यों ना ऐसे जोर से क्या करा। दोस्तों आप आज जा रहे हैं, आपको राज बता दे इसके प्री वेडिंग शूट के लिए हम जा रहे हैं हिमाचल। अबे कहीं था आजकल एडिटिंग को जमाना को एक एक फोटो भी देखी चले ओला और एक एक चला जैसलमेर में तो दोनों मिला ओला ने बे तड़ो तगड़ो बना। तो सारी सारी काफी रेडी छे पर एक बात नहीं भीतर को ना कुरकुरिया स्लाइस और पर पहली ओली के मायने काई काई और डकन हो इन्हें भी उन छोड़ ली। गाइस मैं जब भी खाती हूँ ना मेरे भी कोई ना कोई शेयर कर लेते, कोई नहीं सब लोग करते हैं। सेव का मतलब क्या होता है, खाना नहीं होता, सेव का मतलब शेयर कर लेते शेयर और पता है मेरे पास इतनी सी थोड़ी है देखो और फिर तेल की चीज बन चार एक हारी चार मोली फल फ्रूट खाऊ चूर बत्ते जानो शिमला का मान है बखाबा तो जा रही चू बाकी से तो। अभी हम हिमाचल आ गए हैं और मेरा फर्स्ट ट्रिप है राजस्थान के बाहर। अब सो 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 सुपर एक्साइटेड
और सीरियसली बहुत ज्यादा ठंड है, बाकी मैं एक्साइटेड हूँ बहुत 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 ज्यादा। कपड़ा बाहर ली जो मैं धागन तो लाए थे उन्होंने और ऐसे है बाकी व्यू देखो एक बार व्यू देखो गाइस। हां वाह बहुत खतरनाक चाल चल भाई, यू लव इट। खुदा बाप रे अभी ऐसे नहीं दिख रहा क्योंकि वो हमने ली एक क्लिप वो दिखाएंगे, क्योंकि घर देखो मैंने सब देखा था बस टीवी के अंदर, मतलब कैसे होता ना कि स्क्रीन पे देखा था मैंने, आज मैं पर्सनली खुद देख के आ रही हूँ, मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बहुत मस्त है, देख रहे होंगे हम कहाँ हैं, तो मतलब एक एक बोलते रहो। क्या बोले, शिमला में है और इधर बर्फ भी देखो, पीछे बर्फ दिख रही है आपको, देखो। हाँ अभी यार पूरी पूरी बर्फ हो रही है, पटना ही स्टार्ट हुई है अभी तक पूरी पड़ी नहीं है, शिमला में है बाल भी और शिमला से अभी ऐसे मान लो सवारी नहा दो थोड़ी रेडी हुई है, अभी यहाँ से निकलेंगे हम कुफरी के लिए, कुफरी जाने में कम से कम एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा। कुफरी सो ब्यूटीफुल विलेज इन इंडिया, शिमला इन तो गाइस हिंदी की इंग्लिश आपको समझ नहीं आएगी, बाकी मैं आपको से हिंदी में बात करती हूँ कि अभी हम जाने वाले हैं कुफरी, उससे पहले हम करने वाले ट्रेन के इधर, मतलब सुना है हमने ट्रेन का जो सफर होता है वो बहुत प्यारा होता है, जो शिमला के अंदर ट्रेन है ना वो, तो हम पहले उधर जाएंगे उसके बाद कुफरी जाएंगे, कुछ शूट करेंगे, बाकी भाई साहब की खतरनाक लोकेशन है आपको क्या ही बताऊं भैया, कैसा लगा? बाकी इंस्टाग्राम वाले रीला पर आप देख और जाएंगे। हाँ, आपको लिंक मजा आयो, देखो सीट चपने या थोड़ा मजा आयो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा के। तो दोस्तों ये जल्द में चर्च का मायन है, अभी तो दादा बीच में पूछा जाए मतलब ठेठ पूछ बढ़ जा और तो देख सको जो दोनों साइड बुर मतलब क्या बोलते मार्केट ऊंचाई बहुत ज्यादा जे ये सास ही रुकवा तैयार हो ब्याह तो और भी आगे चारों से तो तुम दिखाओ चार आएगा मगे दोस्त आई इन शिला घूमे तो दोनों बैठ कर बाकी मगे ऊपर गए भी देखो सौ मन चला भाभी है सू चलो शिमला का मान है और पाचन से चर्च और इंडिया चार्ज जो सबको फोटो शूट के पाचन देख सको जो सभी भाई लोग फोटो शूट वगैरह करा लिया जाए क्योंकि देखो दूर आओ जी के बारे फोटो शूट ही चले और आप तो थे जानो चार पांच फोटो कथा यार और बाकी फिल होगा तो ज़्यादा फिर एक जगह की ज़्यादा डाला भी बोले अपने लोकेशन एक नंबर है आई भी है तेने बैक कैमरा से भी दिखाऊंगा और बी भी तुम देख लियो लियो मान लियो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और शाम तानी बर्फ भी पड़ सके तो अभी मजो तो आ रही हो जाए और थाने दिखाऊं दे थोड़ी देर बाद मोर ये बोले आप बजा पा मेमा को तो पूरा वो होगा कथा जी ऊपर देखो पहुंचने तो दिवली बालाजी महाराज की मूर्ति बीने ठेठ जा रहे हैं, हम अभी चर्च जाके आए हैं, बालाजी महाराज है उधर भी जाते हैं, लेकिन नीचे से हम ऊपर आए ना तो भाई साहब कोई नहीं होता, तो वेट कितना होता है वजन, मतलब सॉरी बैग में वजन कितना होता है ऊपर डड़ाच भी यूं उभी जाए आई इधर फिर भी सिंपल है जब हम तो गुड़ता ही जावला यानी क्या आना चाहिए साल में एक बार यहाँ उनकी जगह भी अच्छा लगे जाए और बता बहुत और बहुत प्यारी लोकेशन है, एक बार आप अभी तो हम तो बैठे हैं वो लोग फोटो शूट कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं, बैकग्राउंड देखो एक बार बाकी तन और दिखाओ ला गए अभी तो आगे गए ही होना दोस्तों इन्हें खेचे किस्मत है मान ली देखो बर्फबारी चालू होगी तो यानी कि जी चीज को इंतजार से वहाँ आज की जाए लियो भाई बर्फ आ गई अब अपन उतना कठिन चाहे
भाई जो दोस्तों में जा रही छू से दूसरी जगह सेटो को अब अपना डेली ब्लॉग था ना कड़का भी देखवान मिल सके जे हमारी ना ट्रेन लेट हो गई, पिछली बार भी लेट हो गई थी, पिछली बार तो डिले हो गई थी 20 hours की, बट अभी तो थोड़ी लेट हुई है तो अभी बता रहे हैं 2-3 मिनट तो सुनाइए भाई, और दूसरी वाली है तो हमारी जब ट्रेन आएगी तो हम बैठ के जाएंगे, तब तक हम वेट कर रहे हैं। और अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 6, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो तो दोस्तों, इंग्लिश में बता, डिले को मतलब लेट हो जाए जाए तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और ये मैंने भैया का ग्लव्स उल्टा करके पहन रखा है क्योंकि ये हाथ ज्यादा ठंडा था और एक में है ठंडा, चगन गर्म तो कर में जाता ना रिया। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह जाके आए हुए, आप लोग देखे होंगे तो मजा आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनली गाइस हम बैठ गए हैं ट्रेन में और समथिंग हमें 2-3 घंटे हो गए चले हुए, ट्रेवल करे हुए, सब लोग सो रहे, सब लोग, मैं भी सो ही रहा था और मेरे हाथ से फ़ोन और गिर जाता है अभी और मैं सबसे ऊपर हूँ, सब लोग नीचे सो रहे हैं। तो हम अभी पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में शायद हम गाजियाबाद पहुँचेंगे 11 बजे, उसके बाद में हम जयपुर पहुँचेंगे शाम को 5-6 बजे समथिंग। तो अभी मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं भी सोती हूँ, सोऊंगी नहीं पहले एडिटिंग करूँगी उसके बाद सोऊंगी। गाइस अभी हम आ गए हैं, उतर गए हैं जयपुर में, क्योंकि आज 1 तारीख है और आज मामा जी का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी बात, आशुति के एग्जाम थी 5 से इसलिए जल्दी आना हो गया हमारा, दो दिन पहले ना, हाँ 2 दिन पहले आना हुआ, बट कोई बात नहीं, हम आगे का टूर रखेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय 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 सब लोगों, बाय 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 बाय, चली चली गड्डी अपने।